हेलो गाइस, तो ये अपना देख सकते हैं निशान कंपनी का एक सीलिंग फैन वाइनिंग मशीन है। तो ये उसका ये फर्मा लगा है, उसमें ये पंखा ये बैनिंग हुआ है, देख सकते हैं। तो इसको बताते हैं इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले अपना आता है वोल्टेज मीटर है, जिसमें कितना वोल्ट आ रहा है वो सब बताया चलेगा आपको। जैसे देख सकते हैं अभी मेरे पास 200 के आसपास वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। ये है अपना सब कंट्रोलर, इधर इधर अपना जितना घूमेगा उतना बताएगा इधर। ये है टर्न, ये है अपना ऑटो पे। इसको अगर ऑटो इधर मैनुअल लिखा है तो ये भी एम मैनुअल पे चलेगा, मतलब अपने मन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फिलहाल सब पंखा में ऑटो ही हम लोग यूज करते हैं। अब मेन बात है इसका टर्न कैसे बढ़ाएं। उसका टर्न बढ़ाने के लिए स्टॉप बटन दबा के आपको टर्न अगर बढ़ाना है तो ऊपर की तरफ टिपना है, अगर टर्न आपको कमाना है तो नीचे की तरफ टिपना है। तो ये था सब कमाल। और इसका और एक कम है, देखिए इधर इसे मैं इधर घुमा रहा हूँ इसको, ये अभी देख सकते हैं अभी 10 टर्न हुआ है इधर। इसको 0-0 कैसे करेंगे, ये रिसेट लिखा है, रिसेट बताइए 0-0। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लगा जी किसान का सीलिंग फैन है, तो इसमें ओपन ऑन ऑफ होता है और ये वोल्ट मीटर है, इसका आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं इस बटन से। देख सकते हैं अभी चालू कर दिया हूँ, तो चालू हुआ है और ऑफ कर चुका हूँ। और दोनों का, ये दोनों का काम एक ही है, स्टॉप ऑन का, ये दोनों का काम। तो इसके बाद आता है रिसेट, रिसेट करने से एक बार टर्न जो गिना होगा ना वो 0 हो जाएगा। उसके बाद टोटल टोटल कितना टर्न मार सकते हैं इसमें, 1680 तक टर्न इसमें मार सकते हैं ये किसान में। और ये नीचे का एरो दे रहा है, इसमें मतलब ये है कि इसका आप टर्न घटा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं और क्लिक करके दिखाते हैं, देखें 37-36 ऐसे हो रहा है। और इससे आप टर्न बढ़ा सकते हैं, 10, 2, 40, 43 ऐसे हो रहा है। और ये ऑटो मैनुअल है, ये आपका मैनुअल होगा सिंगल क्लिक, मतलब सिंगल जो चल रहा है ना वो मैनुअल है, देख सकते हैं। ऑटो जानने के लिए भुकभक करेगा, ऑटो में ये भुकभक करते हैं। तो और एक चीज़ है, जो ये दो ऊपर नीचे का है ना बटन, वो दोनों दबाने से ये दोनों सेट हो जाएगा, 0-0 हो जाएगा।